सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी में 12 ऐसे क्या क्या डिफरेंस है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप दोनों फोर्सेस में से किसी भी फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बारह डिफरेंसेज इस तरह हैं सबसे पहले इंडियन नेवी एक मिलिट्री फोर्स है जो कि ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी नेवी एयर फोर्स की तरह मिलिट्री फोर्स है और एक आर्म फोर्स ऑफ यूनियन में आती है और ट्राई सर्विसेज का हिस्सा है ट्राई सर्विसेज कमांड जहाँ पर भी है चाहे वो प्रेसिडेंट के सबॉर्डिनेट्स हों या वो एडीसी की ड्यूटी करते हों तो उसमें इंडियन नेवी का रोल आता है जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होने के बावजूद एक फोर्थ नंबर ऑफ आर्म फोर्स नहीं है वह एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स है जो पैरामिलिट्री भी नहीं है क्योंकि वो ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है और ना ही वो ट्राई सर्विसेज का पार्ट है तो इंडियन कोस्ट गार्ड एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स है और इंडियन नेवी एक ट्राई सर्विसेज का पार्ट होने वाली मिलिट्री फोर्स है नंबर टू डिफरेंस ये है कि इंडियन नेवी एक वॉर टाइम फोर्स है जब भी वॉर होगी इन फ्यूचर तो इंडियन नेवी का रोल एट सी प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जैसे विक्रमादित्य विक्रांत और फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर क्लास ऑफ शिप्स और सबमरीन्स हैं जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड एक पीस कीपिंग फोर्स है जो कि वॉर टाइम में बस इंडियन नेवी को सपोर्ट कर सकती है क्योंकि उनके पास सिर्फ पेट्रोलिंग बोट्स जैसे कि एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स और कुछ छोटी चाली बोट्स हैं जो नॉर्मल पीस टाइम एरिया में जब वॉर नहीं होती है तब हमारे सी एरिया को प्रोटेक्शन करने और सर्वेलेंस करने में काम आती हैं तीसरा डिफ़रेंस ये है कि इंडियन नेवी में कोई रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड नहीं होता एस सी एंट्री या ओ एंट्री के लिए कोई बेस्ड रिज़र्वेशन नहीं है हाँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए टेन परसेंट कोटा मिलता है बट इंडियन कोस्ट गार्ड में क्योंकि ये एज़ पर सी रूल चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है जो टाइम एंड अगेन एस सी और ओ के लिए कंडक्ट करी जाती है चौथा डिफरेंस इंडियन नेवी 1612 में इस्टैब्लिश हुई थी और इंडियन नेवी बनने से पहले ये ब्रिटिश शर्स के अंदर रॉयल इंडियन नेवी नाम से वर्क कर रही थी और इसकी स्ट्रेंथ आज के दिन में 68,000 पर्सनल्स हैं और नेवी डे हमारा 4 दिसंबर को मनाया जाता है तो आप देख रहे हैं कि इंडियन नेवी एक बहुत ही प्रस्टीजियस और एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास करीबन 68,000 एक्टिव पर्सनल हैं और फिर रिजर्व पर्सनल भी कुछ होंगे बट इंडियन कोस्ट गार्ड नाइनटीन में जब एक रिक्वायरमेंट हुई हमारे सी एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए तब फॉर्म करी गई बिकॉज नॉर्मल सर्वेलेंस जब पीस टाइम में करना है तो उसके लिए नेवी के ज़्यादा रिसोर्सेस लग रहे थे तो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए कोस्ट गार्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कराया गया जिसकी स्ट्रेंथ आज के दिन में ट्वेंटी वन थाउजेंड एक्टिव पर्सनल हैं और एक फेबर को इनका सीजी डे मनाया जाता है कोस्ट गार्ड डे एक फेबर को मनाया जाता है क्योंकि यह एक फेबर नाइनटीन सेवनटी सेवन में फॉर्म हुई थी पांचवा डिफरेंस अंडर गोज डिस्टेंट एंड लॉन्ग सी डिप्लॉयमेंट क्योंकि इंडियन नेवी का वॉर टाइम रोल है तो इसीलिए इंडियन नेवी एक लॉन्ग सी डिप्लॉयमेंट में जाती है जब भी नॉर्मल उसको सी सोटी करनी है और वह एट सी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस करते हैं अपनी फायर आर्म्स टेस्टिंग करते हैं और बड़े ही लैंड से दूर जाकर ये एक्टिविटीज़ करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड क्योंकि नॉर्मल पेट्रोलिंग का काम करती है तो यह लैंड से ज़्यादा दूर तक नहीं जाती जब कभी रिक्वायरमेंट है तब तो इंडियन कोस्ट गार्ड फॉरेन कंट्रीज भी जाती है आपने न्यूज़ में देखा होगा बट जनरली जो इंडियन कोस्ट गार्ड का चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ आता है उसमें वह शॉर्ट डिप्लॉयमेंट्स करते हैं और वो नियर बाय लैंडस रहते हैं सिक्स डिफरेंस इंडियन नेवी डिफेंस रूल्स ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस से काम करती है तो इनको एमएसपी एच आर ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सारी फैसिलिटीज़ इनके पर्सनल को मिलती है मिलिट्री सर्विस पे हाउस रेंट अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सारा एक एक्स्ट्रा अलावेंसेज और भी सारे सेलिंग अलाउंस कुछ सबमरीन अलाउंस जो सबमरीन आर्म्स में बहुत सारे अलाउंसेज इंडियन नेवी के पर्सनल को एज़ पर डिफेंस रूल्स ऑफ सैलरी एंड अलाउेंसेज मिलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को भी सी सी एस रूल्स के अकॉर्डिंग सैलरीज एंड अलाउंस मिलते हैं हाउस रेंट अलाउंस मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जब कभी सीलिंग में जा रहे हैं तो उनको भी सीलिंग अलाउंस मिलता है बट क्योंकि ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है फुल ब्लेज तो इनको मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलता सेवेंथ डिफ्रेंसिस है इंडियन नेवी की खुद की ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट्स हैं चाहे वो उड़ीसा में हो चिल्का या कोची में हो या केरला में हो या मुंबई में हो या विशाखापट्टनम में हो हर एक अलग अलग आर्म्स की अलग अलग ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट्स इंडियन नेवी की है इंडियन कोस्ट गार्ड के पर्सनल अभी और ऑफिसर्स भी अभी नेवी के साथ ही ट्रेन करे जाते हैं और इनकी ओन एकेडमी मैंगलोर में अंडर कंस्ट्रक्शन है बट अभी इनकी ट्रेनिंग इंडियन नेवी के पर्सनल्स के साथ हो रही है एट डिफरेंसेस है रैंक स्ट्रक्चर क्योंकि इंडियन नेवी ब्रिटिशर्स के सेम लाइन ऑफ एक्शन की तरह डिफेंस फोर्स बनी हुई है और जो जहाँ जहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज़ है वहाँ पर सेम ही रैंक स्ट्रक्चर फॉलो होता है तो इंडियन नेवी का भी रैंक स्ट्रक्चर रॉयल इंडियन नेवी के रैंक स्ट्रक्चर की तरह है लेफ्टिनेंट कैप्टन सेम रैंक स्ट्रक्चर आता है और इंडियन नेवी सेवेंथ लार्जेस्ट नेवी है इन द वर्ल्ड हमारी इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड का रैंक स्ट्रक्चर जो होता है ऑफिसर्स का वह सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरह है और उनका रैंक स्ट्रक्चर मिलिट्री डिजिग्नेशन से अलग होता है। बट हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्थ लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड इन वर्ल्ड है नाइन्थ डिफरेंस है कि सीनियर मोस्ट रैंक जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है इंडियन ने ने नेवी में वो वाइस एडमिरल होता है और यह है एक फोर स्टार रैंक ऑफिसर होता है बट इंडियन कोस्ट गार्ड में सीनियर मोस्ट रैंक डायरेक्टर जनरल होता है और यह है एक थ्री स्टार रैंक होता है इंडियन कोस्ट गार्ड में थ्री स्टार के ऊपर फोर स्टार रैंक का अपॉइंटमेंट या डिजिग्नेशन कुछ भी नहीं है दसवा डिफरेंस है कि चैलेंजिंग वर्क होता है क्योंकि आपको इंडियन नेवी जैसे कि वेपन प्लेटफॉर्म्स में रहना होता है और सबमरीन्स में रहना होता है तो उनके पर्सनल के लिए लाइफस्टाइल और शिप के अंदर रहना और वर्क करना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक कभी कभी हो जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड में जो वर्किंग स्टाइल होता है थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्सड होता है और बेटर होता है क्योंकि इनके शिपों में ज़्यादा वेपन्स नहीं होते हैं तो इनको नॉर्मल पेट्रोलिंग करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेस इनके लिए काफ़ी एक अच्छे एटमॉस्फेयर में शिप के अंदर मिल जाते हैं एलेवेंथ डिफरेंसेज है कि इंडियन नेवी तीन कमांड्स में ऑपरेट करती है एक कमांड हो गया वेस्टर्न रीजन एक कमांड हो गया ईस्टर्न रीजन और एक कमांड हो गया सदर्न कमांड तो इंडियन नेवी तीन डिफरेंट डिफरेंट कमांड में पूरी अपने एरिया को कवर करती है इंडियन कोस्ट गार्ड के पांच रीजनल कमांड्स हैं क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड को पेट्रोलिंग का रोल है पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वेस्टर्न रीजन ईस्टर्न रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार कमांड तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पांच अलग अलग रीजनल कमांड्स हैं वो इस टाइप से हैं नेक्स्ट इसके बाद ट्वेल्थ डिफरेंस है वर्क कल्चर क्योंकि इनका काम जनरली ड्रिल्स और एक्सरसाइज करना है ट्रेनिंग करना है अपने आप को और बेटर करना है तो एक लार्ज चंक इनका ट्रेनिंग में जाता है सी रेस्क्यू ऑपरेशन का आप देखते हैं कि कहीं डिज़ास्टर हुआ है या कहीं पे फ्लड आए हैं तो सी रेस्क्यू ऑपरेशन नेवी करती है नॉर्मल पेट्रोलिंग भी करती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस फ्रेंडली फ़ॉरन नेवीज़ के साथ भी करती है कभी कभी आप न्यूज़ में देखते होंगे कि जापान की नेवी आई है या यू एस नेवी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी इंडियन नेवी करती है थर्टीन है इनका जो वर्क कल्चर है वह एट सी पेट्रोलिंग का काम है तो पेट्रोलिंग करते करते ऐट सी इंटोरोगेशन करना कहीं एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ हो रही है ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उसको देखना पकड़ना अपने न्यूज़ में सुना होगा कहीं कुछ नार्कोटिक्स रिलेटेड हर हर हफ्ते हर दूसरे महीने कोई ना कोई न्यूज़ आती है जहाँ कोस्ट गार्ड कुछ ना कुछ सीज करता है और रेस्क्यू करना सी में कुछ फ्लड्स आ गया या कहीं नॉर्मल डिज़ास्टर है या कोई साइक्लोन आ गया तो उन समय कोस्ट गार्ड का रोल बढ़ जाता है और नॉर्मल पेट्रोलिंग करती है और ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करना फॉरेन कोस्ट गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज भी कोस्ट गार्ड का एक चार्टर ऑफ ड्यूटी है जैसे जापान कोस्ट गार्ड के साथ एक्सरसाइज करना या श्रीलंकन नेवी के साथ कुछ एक्सरसाइज करना ये सारा रोल इंडियन कोस्ट गार्ड का भी आता है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए और आप साथ ही साथ इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स मिलते रहें